वेलकम बैक गाइस, हमारे चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं सूजी के लड्डू। बिल्कुल हलवाई जैसे सूजी के लड्डू आप घर पर बना सकते हैं, बिल्कुल टेस्टी, और दिखने में आप देख ही रहे हैं कि कितने यम दिख रहे हैं। तो इसकी रेसिपी जानने के लिए हमारे वीडियो को आप अंत तक देखें, और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हम आपसे ऐसे ही मिलते रहें नई नई डिशेज की रेसिपी और हेल्दी डिशेज और साथ में ब्यूटी टिप्स के साथ। तो सबसे पहले आपको लेना है सूजी। सूजी में आपको मिलाना है मलाई, दूध की जो मलाई होती है वो, और घी मिलाना है मोयन के लिए, और इसके साथ अगर आपके पास मावा हो तो आप मावा भी मिला सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स लेना है जिससे इसमें कोई गुठली ना रहे और सब अच्छे से मिक्सचर में पूरा रेडी हो जाए। इसके बाद आपके पास अगर दूध ज़्यादा हो तो दूध, या फिर पानी की सहायता से आटा गूंथ लेना है। आटा ना ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा कड़क हो, जैसा हम खुरमे के लिए मैदा उठूसनते हैं वैसा। इसके बाद दोनों हथेलियों की सहायता से ऐसी पतली पतली छोटी सी लोई लेके पूड़ी बना लेनी है, और उन पूड़ियों को अब तेल में तल लेना है। दोनों हथेलियों की सहायता से ही बनानी है हमें, उसे बेलने पे नहीं बनेंगी, टूट जाएंगी। तो दोनों हथेलियों की सहायता से ऐसी पूड़ी बना लें और उनको तेल में तल लें, पलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे से इन पूड़ियों को आप तल लें। देखिए पूड़ियों का कलर चेंज हो गया है, लगभग गोल्डन सी हो गई है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हम सब पूड़ियों को ऐसे निकाल के रख लेंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। ठंडे होने के बाद हम इनको पूरी तोड़ लेंगे, अच्छे से क्रश कर लेंगे। देखिए हमने पूरी क्रश कर ली है। इसके बाद अब हम मिक्सी में इनको पूरा बारीक पीस लेंगे। आप समझ गए होंगे, ठंडे होने के बाद इनको तोड़ना है। अच्छे से तोड़ने के बाद मिक्सी के जार में लेना है और बिल्कुल बारीक आपको पीसना है। देखिए पूरा बारीक पीस चुका है, आप देख सकते हैं कितना बारीक हमने इसे पीसा है। तो हमारा मिक्सचर रेडी है, बस अब हम इसमें कुछ चीज़ें मिलानी है। तो आपको सबसे पहले लेने हैं ड्राई फ्रूट्स, जो आपकी चॉइस हो वो ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद इन ड्राई फ्रूट्स को आपको कूट लेना है, काजू, बादाम और इलायची को भी कूट लेना है। अब इसके बाद आपको सभी पूरे ड्राई फ्रूट्स, इलायची, सभी को हमारे जो पिसे हुए मिक्सचर है उसमें मिला देना है, और शक्कर का बूरा ऐड करना है अपने स्वाद अनुसार। आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो ज़्यादा, और फीका खाते हो तो कम शक्कर का बूरा आप ऐड कर लें, और आप सबको अच्छे से मिला लें। तो हमारा लड्डू का मिक्सचर पूरा रेडी हो चुका है। अब हमको बनाने हैं इनके लड्डू। तो दोनों हथेलियों की सहायता से आपको सूजी के लड्डू बनाने हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में कि लड्डू कैसे बनाए जा रहे हैं। दोनों हथेलियों की सहायता से आपको लड्डू बनाने हैं। लड्डू के लिए आपको याद रखें घी ज़्यादा चाहिए रहेगा, क्योंकि घी से ही टेस्ट आता है, और घी ज़्यादा रहता है तो लड्डू टूटते नहीं है। अगर घी कम रहेगा तो लड्डू पूरे बिखर जाएंगे। अगर 1 किलो सूजी है तो 1 किलो घी आपको लग जाएगा। तो हमारे लड्डू पूरे रेडी हो चुके हैं और सर्व के लिए तैयार है। तो खा के देखिए कैसे बने हैं लड्डू, और कमेंट करके बताएं कि आपने ये लड्डू बनाए तो कैसे बने हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हम ऐसे ही न्यू डिशेस रेसिपी, हेल्दी रेसिपी और ब्यूटी टिप्स के साथ आपसे मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।